जो बोलना है मुंह पर बोलो। ये क्या स्टेटस खेलते हो? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है ऑब्वियस है। और ये मेकअप लुक मैंने इसलिए क्रिएट किया है उन सारी लेडीज़ों के लिए जो अपने हस्बैंड के साथ जब बाहर जाती हैं तो वो कैसे तैयार होके जाएं कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखें। इसलिए मैंने ये मेकअप लुक ट्राई किया है। और कैसा लग रहा है? आई थिंक सो बहुत ही बेस्ट लग रहा है भाई। वेडिंग के लिए भी अच्छा है और ऐसे किसी पार्टी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस मेकअप लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है प्लम का ग्रैप सीड एनसी बक फेस मिस्ट और इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे करूँगी। और स्प्रे करने के बाद इसे एयर ड्राई होने दूँगी ताकि अच्छे से मेरे स्किन में एब्जॉर्व हो जाए। और सेकेंड मैंने लिया है यहाँ पे लॉरियल का रिवाइटा लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भाई, सीरियसली बता रही हूँ। इसका इफ़ेक्ट्स बहुत ही अच्छा है क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद आया और ये मेरी स्किन को वाकई में बहुत ही ग्लोई बना रहा है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मामा अर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीम, जो कि टर्मरिक और बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आता है। और सच बताऊँ SPF 50 है और जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में हमें कभी भी सनक्रीम लगाए बिना कोई भी मेकअप नहीं करना चाहिए। वाओ, सो फाइनली मेरी स्किन केयर जो है वो डन हो चुकी है। और नेक्स्ट मैं ये यूज़ करी हूँ वेट एंड वाइल्ड की फ़ोटो फोकस स्टिक फाउंडेशन क्रीम वेज, जो कि इसका कलर शेड है। और सरप्राइजली ये मेरे कलर टोन को परफेक्टली मैच कर रही है और इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और एक ब्यूटी ब्लेंडर जिसको मैंने वेट किया है उसकी हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और जब मैंने इसको ब्लेंड किया और अपने आप को देखा ना, तो ये इतने स्मूथ वे में ब्लेंड हुआ था ना मेरे फेस पे कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम अपने मेकअप लुक में ट्राई किया है और मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई भी किया है, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है। और आज मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी दो शेड का कंसीलर, एक मैं डार्क और एक लाइट यूज़ करूँगी। पहले मैं यहाँ पे डार्क शेड लगा रही हूँ ताकि जो मेरा डार्कर एरिया है वो अच्छे से हाइड हो जाए, और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड भी कर दे रही हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ लाइटर शेड और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो मेरा डार्क सर्कल है वो अच्छे से हाइड हो जाए। अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये हाइड हो गया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का कंटूरिंग पैलेट कंटूर और इसका जो लाइटर शेड है उसकी हेल्प से मैं खूब अच्छे से बेकिंग करूँगी। क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो मैं डबल टैप करके अच्छे से बेक करूँगी ताकि जो कंसीलर है वो भी कीकी ना हो और जो मेरा एक्स्ट्रा ब्रश पे पाउडर है वो मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि बिल्कुल भी स्वेट आए लेकिन जो मेरा मेकअप है वो कहीं पे भी इधर उधर हिले ना। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है शुगर की पैलेट और उससे मैंने ये वाला कलर शेड पिक किया है और इसे मैं बहुत ही स्लोली अपने आईलिड पर लगाऊँगी। पहले मैं नीचे की साइड में लगा के तब ऊपर की साइड इसे ब्लेंड करूँगी ताकि लाइटर शेड जो हो जो ब्लेंडिंग होने के बाद वो अच्छे से मेरे आईलिड पे दिखे। कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है। और अब मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है, आप किसी भी पैलेट से ले सकते हैं, मैंने भी दूसरे ही पैलेट से लिया है और इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक अच्छी आईज दिखे और थोड़ी बड़ी बड़ी आँखें दिखें। मैंने बहुत ही ईजी वे में इसको क्रिएट किया है यहाँ पे आई मेकअप ताकि कोई भी कर पाए। और यहाँ पे भी मैंने शुगर का एक हाइलाइटर लिया है और इसे अपने आईलिड पे कॉर्नर्स पे लगा लूँगी ताकि जो ग्लिटरी लुक है वो ईजिली आ जाए। और अब मैंने सेम ब्रश से अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया है ताकि जो भी थोड़ा बहुत मैसअप हुआ हो वो अच्छे से दिखे। और सेम डार्क कलर मैं अपनी लोअर आईलैशेस पे लगाऊँगी ताकि एक अच्छा स्मोकी आई लुक आ जाए। और यहाँ पे मैंने पर्पल की काजल यूज़ की है, उसे मैं अच्छे थोड़ा सा काजल अप्लाई कर लूँगी ताकि एक आँखों पे एक अच्छा इम्पैक्ट आए। और अब देख सकते हो कितना प्रिटी सा लुक आया है।
और आज मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ फेक आई लैसेस, जो कि मुझे बिल्कुल भी करने नहीं आता है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऑफ कैमरा करूँ, बट मैंने सोचा लेट्स ट्राई कि ऑन कैमरा भी मैं कैसा कर पाती हूँ। और मैंने बड़ी मेहनतों के बाद इसे अप्लाई किया है और आप देखो कितनी अच्छे से अप्लाई हो गया है भाई। थोड़ा बहुत 19-20 है, जय हो भगवान जी की, बट फाइनली ये अच्छे से अप्लाई हो गया है और मेरी जो आई मेकअप है ना वो कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी मस्कारा, जो कि मैंने मैबलिन का लिया है, वैल्यूम मस्कारा है, ताकि जो आँखें हैं, जो आई फेक आई लैसेस हैं वो और मेरी जो रियल आई लैसेस हैं वो दोनों अच्छे से एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएँ। और वाटर आई लैसेस पर भी मैं ज़रूर मस्कारा लगाती हूँ, जैसे कि जो मेरी आँखें होती हैं ना वो थोड़ी बड़ी बड़ी दिखती हैं। आप भी ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे लिया है शुगर का कॉन्टोर डी फोर्स फेस पैलेट स्टेबल समिट, और इसकी जो ये वाला कलर है उसकी हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर करूँगी। बहुत ही लाइट रखा है मैंने कॉन्टोरिंग, क्योंकि अगर हम दिन की पार्टीज़ में जा रहे हैं तो हम कॉन्टोरिंग थोड़ा मैं कम ही रखती हूँ, क्योंकि फेस का स्ट्रक्चर जो है बस वो क्रिएट हो। और कुछ इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट कर लिया। और सेम पैलेट से ही मैंने ये ब्लश लिया है, इसे भी मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, ताकि बहुत ही लाइट है क्योंकि दिन की पार्टी है या रात की, जो भी है, बट आप देख सकते हो अच्छा सा लुक आया है। और अब मैं यहाँ पे लूँगी हाइलाइटर, जो मैंने आईज़ पे लगाया था वही सेम हाइलाइटर लिया है, और उसे भी अच्छे से फेस पे, नोज़ पे और आईब्रोज़ के नीचे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, ताकि जो फेस है वो मेरा क्लियर दिखे, ग्लोई दिखे। और सॉरी, मैं शायद आईब्रोज करना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का पैलेट लिया है, आईब्रो पैलेट, और इसे मैं अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। और यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ही लिप लाइनर लिया है, न्यूड शेड है, इससे मैं अपनी लिप्स को आउटलाइन करूँगी। और अब मैं यहाँ पे शुगर की मिनी लिपस्टिक ले रही हूँ, शेड है दिस, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, और उससे मैं अपने लिप्स को अच्छे से फिल करूँगी। और यहाँ पे भी मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लिया है, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और मोस्ट ऑफ द माय वीडियो यू कैन सी कि मैं इसी से अपने मेकअप को फिक्सअप करती हूँ। तो माय मेकअप इज़ डन। सो फाइनली अब मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लूँगी। मैंने यहाँ पर ओपन हेयर ही रखे हैं, और आई एम कम्प्लीट माई मेकअप एंड यू कैन सी द डिफरेंट, इट्स लुक सो नाइस। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपने ट्राई किया तो आपके ऊपर ये मेकअप लुक कैसा लगा। और आप मुझे भी बताइए कि मेरा ये मेकअप लुक आपको मेरे ऊपर कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय एंड कीप सपोर्टिंग।